राधा रानी के जय महारानी के जय। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कई कानूनों की बात करते हैं। गीता में कहते हैं कि जब तक तुम्हारे सारे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, तुम्हें भक्ति में दृढ़ता प्राप्त नहीं होगी। फिर कहते हैं अंतकाल में तुम अगर मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। और वो साथ में कहते हैं कि जिस जिस भाव से मेरा भजन करोगे उस तरह से मैं भी तुमसे संबंध स्थापित करूँगा। तो पूरी भगवद गीता में भगवान कृष्ण कई कानूनों की बात करते हैं। तो एक तरह से दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण एक कानून के भगवान है, गॉड ऑफ लॉ। लेकिन दूसरी तरफ जब हम श्रीमती राधा रानी की बात करते हैं तो श्रीमती राधा रानी हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारी बद्ध अवस्थाओं को ना देखते हुए सिर्फ अपनी करुणा की और अपनी प्रेम की बात करती हैं। और एक बार जब वो भगवान कृष्ण को ये कह दें कि देखो कृष्ण, ये जो तुम्हारा भक्त है, ये इसे आप स्वीकार कर लो, तो कृष्ण भी इस बात को कभी इनकार नहीं कर पाते। तो एक तरह से जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनका भगवान कृष्ण तक पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रत्यक्ष ना होकर श्रीमती राधा रानी के माध्यम से है। तो इसीलिए जब हम श्रीमती राधा रानी के माध्यम से भगवान कृष्ण तक जाते हैं तो कृष्ण अब ऐसे भक्त को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। राधा रानी के जय महारानी के जय।